अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले की सोमवार को पशु चिकित्सालय में कार्यालय स्थापना के साथ औपचारिक शुरुआत हो गई। मेला मैदान में दीपावली के बाद से पशुओं की आवक भी शुरू हो गई। हालांकि अभी केवल शुरुआत है, इसलिए पशुओं की धीमी आवक है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मेला पूरी तरह परवान चढ़ने लग जाएगा। दूसरी तरफ पशुपालन विभाग की ओर से मेले को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला क्षेत्र में झंडा चौकी की स्थापना कर दी गई, जहां पर मेले में आने वाले पशुओं का पंजीयन किया जाएगा। पशुओं के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में अभी कमी नजर आ रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे पशुओं की आवक बढ़ेगी, व्यवस्थाओं को भी पटरी पर लाया जाएगा। पशु मेले के अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए विशालकाय झूले, सर्कस सहित अन्य मनोरंजन करने वाले मेला मैदान में अपनी अपनी जगह बना चुके हैं। पशुओं के श्रृंगार और उनके काम में आने वाली अन्य वस्तुओं की दुकानों से मेले की सांस्कृतिक छटा नजर आने लगी है। प्रशासन और पुलिस की ओर से भी मेले के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ हमारे कम से कम 15 साल हो गई और यहाँ पशुओं का बहुत ज्यादा आना होता है। यहाँ विदेशी लोग भी आते हैं और ऐसी विकृति सही होती है, हमारी अच्छा धंधा हो जाता है और लोग भी और आते हैं, सामान ले जाते हैं अच्छा। और भी व्यवस्था है यहाँ पर, पानी की, लाइट की सब व्यवस्था है यहाँ पर, कोई बात की परेशानी नहीं है। हमारे पास ये पशुओं का आइटम है, माला है, कंटी है और घंटी है, ऐसे रस्सी है, सब चीज़ है हमारे पास। जो आइटम आता है पशुओं के लिए वो सब है। आया ये व्यापार के पास खरीदने के लिए, खरीदेंगे और बेचेंगे। हमारा 5-6 साल से चले आया हैं, ये आगे खूब व्यवस्था हो रही है, खूब व्यापार चल रहा है हमारा, यही बात है। ऊँट ले आए 15 ऊँट लिया, और भी खरीदेंगे 8 और भी बेचेंगे। सरकार की ओर से मेले की व्यवस्थाओं पर संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत विधायक कैंप से नजर रखेंगे। मंगलवार को रावत ने पुष्कर मेले पर आधारित एक पोस्टर का विमोचन भी किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पुष्कर के सभी लोगों को दीपावली की रामा श्यामा करनाए हैं और साथ ही हमारा पुष्कर मेला पिछले वर्ष की भांति और भी अच्छा रहे, इसकी हम कामना करना है तीर्थराज पुष्कर महाराज से। और आज हम व्यापारियों से मिलकर तीर्थराज पुष्कर को मेले को और कैसा भव्य बनाएं उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह हम साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लेंगे। इसके अलावा आज हमने तीर्थराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले का हमने पोस्टर का विमोचन भी करा। इसके अंदर 10,000 पोस्टर बनाए हमने, हम सब जगह लगाएंगे।